आलदार आकार पैरेलल ओवरटेकिंग। अराइवल ले रहे हैं और यहाँ पे साथियों स्किप होगा ये, यहाँ पे ये लोकल ट्रेन को भी यहाँ पे पैरेलल ओवरटेक करेंगे। अभी आगे साथियों वेब फाइव लोकोमोटिव सेवा में है आज मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस में। ये वेब फाइव पूरा शायद ना वो गोरखपुर एक्सप्रेस खड़ी है वीकली, यहाँ सत्याग्रह एक्सप्रेस भी है। साथियों अपनी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी है पहले से ही, चलिए वो शंट हो चुकी है और चलो पहले से अब चलो गाड़ी पे सीट ले लेते हैं, उधर सीट मिलना मुश्किल। साथियों स्टेशन में एंटर कर चुके थे और अब हमें यहाँ से सीधे चलना है सबवे से, और ये अंडरग्राउंड पास है और यहाँ पे आपको फुट ओवर ब्रिज नहीं मिलेगा इस स्टेशन पे। पूरे 1 से लेकर 7 प्लेटफॉर्म है और 7ों में जाने के लिए आपको अंडर पास का उपयोग करना पड़ेगा। ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए रास्ता कही है और ये है अंडर पास, यहाँ से हम लोग आए हैं और यहाँ से 1, 2, 3, 4 प्लेटफॉर्म को जाने के लिए रास्ता है यहाँ पे। साथियों लखनऊ जाने के लिए वैसे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं अभी तैयार यहाँ पे, चाहे वो गोरखपुर वीकली एक्सप्रेस भी है, वो हमने देखी थी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे थी, और उसके अलावा यहाँ पे एक और ट्रेन है, क्या नाम है उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, सुहेल देव एक्सप्रेस है, वो भी लखनऊ जाएगी और होली स्पेशल भी है, लेकिन अब हमने मऊ आनंद विहार ही चुनी है क्योंकि ये देखिए सुपरफास्ट गाड़ी है जो कानपुर तक ताबड़तोड़ भागने वाली है, तो जो हवाले सही है उसमें भी यहाँ देखिए ये इस लाइन पे खड़ी है सुहेल देव एक्सप्रेस गाजीपुर जाने के लिए, और इधर हमारी 7 नंबर पे खड़ी है मऊ एक्सप्रेस मऊ जाने के लिए। लगभग देखिए होली हो चुकी है और थोड़ी बहुत खाली खाली है, जितने लोग हैं उतनी सीट है, नॉर्मल ट्रेन है, नॉर्मल भीड़ भाड़ है। और ये सुहेल देव अभी ये भी 6 बजे जब जाएगी तो ये भी भर जाएगी लगभग। साथियों रांची राजधानी जा रही है यहाँ से, नई दिल्ली से चल के आई है और अभी तो कई सारी ट्रेनें चलना बाकी हैं नई दिल्ली से, और देखते हैं ज़्यादातर तो राजधानियाँ ओवरटेक हो पड़े। डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी, सारी गाड़ियाँ यहीं पे ओवरटेक करे दे रही है और कुछ करेंगे गाजियाबाद के आगे। साथियों हमारी गाड़ी बस चलने को तैयार है और यहाँ पे गरीब रथ एक्सप्रेस का रैक शंट कर दिया गया है, यह है बनारस गरीब रथ आनंद विहार बनारस। साथियों यहाँ पे आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन डिपार्चर लेते हुए और वो गोरखपुर एक्सप्रेस खड़ी है वीकली, यहाँ सत्याग्रह एक्सप्रेस भी है। साथियों डिपार्चर लगभग ऑन टाइम हुआ है 4:45 में और हमारी गाड़ी 427 किलोमीटर लगातार आगे की ताबड़ तोड़, और उधर से नई दिल्ली उधर से भी कुछ ट्रेनें अभी क्रॉस होंगी। सियालदा राजधानी पैरेलल ओवरटेकिंग, यहाँ लोकल ट्रेन भी यहाँ पे पैरेलल चल रही है साथ साथ।
अराइवल ले रहे हैं और यहाँ पे साथियों स्किप होगा ये, यहाँ पे ये लोकल ट्रेन को भी यहाँ पे पैरेलल ओवरटेक करेंगे। अभी आगे देखिए राजधानी गई है, शायद हमारी गाड़ी यहीं रुक जाए, लाल सिग्नल है यहाँ पर। आरआरटीएस द मेट्रो स्टेशन, यहाँ लोकल ट्रेन क्रॉस हो रही है। साथियों मुरादाबाद और लखनऊ के लिए लाइन चली है और मेरठ सहारनपुर के लिए भी यही सही जाती है, आगे जो घूम जाती है। और हम लोग बढ़ चले कानपुर की दिशा में। लगभग अंधेरा हो चुका है और वो देखिए आ रही है आगरा से लाइन, आगरा की ओर से लाइन मिलते हुए और कुछ ही समय में टुंडला जंक्शन अराइवल।
40 भाग रही थी और अचानक से चेन खींच दी किसी ने। देखो गाड़ी फिर रुकी है यहाँ पे, परजनी से थोड़ा सा पहले रुकी हुई है और पीछे आ रही है हावड़ा राजधानी, उसकी लाइट दिखने लगी है, हेडलाइट लोकोमोटिव की, वो भी ओवरटेक करने के लिए एकदम पीछे पीछे ही भाग रही है तब से गाज़ियाबाद से, और अभी तक ओवरटेक नहीं कर पाई है। मुझे लग रहा है ये पनकी धाम या गोविंदपुरी पे होना है। अब देखो अभी ये गाड़ी शायद आपको लग रहा है आगे चल के ओवरटेक कर देगी। साथियों लोको पायलट भी वहाँ पे गाड़ी पे उतर गए हैं, यहाँ गाड़ी से उतर के वहाँ पीछे स्लीपर क्लास में चेक करने जा रहे हैं क्योंकि वहीं से चेन पुलिंग हुई होगी और वहाँ अब लोकोमोटिव पे चढ़ रहे हैं। गाड़ी चलने को है अभी यहाँ से तैयार। साथियों अभी अपनी गाड़ी भाऊपुर स्टेशन स्किप कर रही, धीरे धीरे अगला स्टेशन पनकी धाम पड़ने वाला है और गाड़ी अब धीरे होना शुरू हो चुकी है और गाड़ी लगभग ताबड़तोड़ 130 भागी है और ये बीच में जो चेन भी खींच ली गई थी परजनी के पास। चलिए अब अगला स्टेशन पनकी धाम आ रहा है उसका स्किप दिखाते हैं, तो उसके बाद गोविंदपुरी पड़ेगा। स्किप करें पनकी धाम स्टेशन, वे बिल्कुल बिफोर टाइम और 9:40 का इसका कानपुर में टाइम है, अभी 9:06 हो रहा है और मेरे ख्याल से गोविंदपुरी भी बस 5 मिनट के अंदर पहुँच जाएगी। झांसी की ओर से और यहाँ स्किप करने जा रहे हैं गोविंदपुरी, झांसी से लाइन मिल चुकी है और ये स्किप कर रहे हैं अभी गोविंदपुरी जंक्शन। स्टेशन को भी हम लोगों ने स्किप कर चुके हैं और गाड़ी काउंटर पे नहीं रुक रही है और वहाँ पे है कानपुर का इंटरनेशनल बस स्टैंड, यहाँ का बस स्टैंड इंटरनेशनल है, इंटरनेशनली बसेस मिल जाती हैं और ये देखिए गाड़ी आउटर पर भी नहीं रुक रही है, पनकी और गोविंदपुरी निकाल चुके हैं और अब हमको लग रहा है कानपुरी गाड़ी रुकेगी और ये देखिए शायद राजधानी एक्सप्रेस पहले ही हुई। फाइनली किंग राजधानी हावड़ा राजधानी ने यहाँ पर ओवरटेक कर ही लिया आखिरकार। पैरेलली ओवरटेक उसका भी सिग्नल हो गया और वहाँ पे आप देख सकते हो उधर एक सामने आगे से एक लोकल ट्रेन भी जा रही है उधर। साथियों यहाँ साथ साथ अराइवल ले रही है दोनों गाड़ियाँ, ये जाएगी 6 नंबर पे और अपनी वाली जाएगी 9 नंबर पे। और इसमें ख़ास बात यह, इसमें 2 फर्स्ट AC लगते हैं, देखिए H2 है और उसके पीछे है H1। राजधानी से पैरेलली ओवरटेक नहीं, साथ साथ अराइवल ले रही है यहाँ पे, ओवरटेक किसी ने नहीं किया, साथ साथ आ रही हैं दोनों गाड़ियाँ और यह गाड़ियाँ में ओवरटेक नहीं कर पाई राजधानी एक्सप्रेस और पहुँच चुके कानपुर सेंट्रल। उधर अराइवल हो रहा है और इधर कानपुर का दूसरी साइड है स्टेशन का और इधर शिलान्यास हुआ है इस स्टेशन का और वहाँ पे बनेगी दूसरी बिल्डिंग दूसरे साइड के लिए और यहाँ पे पानी भरने की भी सुविधा है, सब यहाँ प्लेटफॉर्म नए बनेंगे। क्या कर रहे हो आप लोग? साथियों लगभग 16 मिनट बिफोर यहाँ कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर अराइवल ले चुके हैं और गाड़ी अब लगभग यार यहाँ पे 20-25 मिनट रुकने वाली है
अब देखो यार बिफोर गाड़ी है और 5 मिनट का वैसे भी स्टॉप है, अब गाड़ी लंबा रुक जाएगी तब तक यहाँ पे कुछ खाने पीने का ले लेते, रिफ्रेशमेंट वगैरह। हम तो समोसे ले लेंगे और भाई तीसरी बार ये समोसा लेने जा रहे हैं यार, सुबह दोपहर अरे शाम से चल ले तो कभी चाय कभी समोसे बस यही ले रहे हैं, बस वीडियो स्टेज का नहीं बनाया है वो अलग बात है। अब चले समोसा ले लेते यार, भूख लग रही है, रात का नाइट समय डिनर का समय है, गाड़ी तो अभी भैया 15-20 मिनट में बाद चलेगी, आराम से टाइम है अभी अपने पास। गाड़ी लेकिन यहाँ पे भर गई है खचाखच, सब यात्री यही से चढ़े हैं, आनंद विहार से तो लगभग खाली वाली चली थी। आती हो यार रिफ्रेशमेंट ले लिए, समोसे यहाँ पे आज भी 20 के 3 मिल रही है, देखिए यहाँ पे 20 के 3, कहीं स्टेशन पे 20 के 2 भी देते हैं तो कहीं कहीं 15 का 1 भी देते, जैसे आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन पे मैं गया था तो वहाँ पे 15 का 1 दे रहा था, और ये यहाँ पे तो सही सलामत सही मिल गया। लखनऊ कानपुर जब यहाँ पे लोगे बाराबंकी तरफ तो 20 के 3 ही मिलेंगे, यानी 7 रुपये का लगभग एक सस्ता समोसा यहाँ पे मिलता है, बाकी अगर कहीं बाहर जाओगे वहाँ सब जगह महंगाई। साथियों आपको ये ब्लॉग बहुत ही साधारण लगने वाला है क्योंकि इस ट्रेन ब्लॉग में आपको कोई क्रॉसिंग नहीं देखने को मिलेगी और ना ही ओवरटेक, वही खड़े खड़े देखो और पैरेलल ही बस, और ऐसी ही ट्रेन जर्नी होगी इस हमारी ये मऊ आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। साथियों ये सप्ताह में 2 दिन चलती है आनंद विहार से, एक है बृहस्पति के दिन और एक है शनिवार के दिन, तो वो भी शाम को 4:45 पे, और फिर अगले दिन आपको मऊ पहुँचाएगी सुबह। साथियों यहाँ पे देखिए ये हावड़ा राजधानी जा रही है अपने गंतव्य हावड़ा के ओर, प्रयागराज मुगल सराय के रास्ते जाते हैं। और साथियों यहाँ पे देखिए भुवनेश्वर राजधानी भी आ चुकी है, तेजस राजधानी है जो कि तेजस एक्सप्रेस के रेक में चलने लगी है, ये और पहले से बढ़िया हो गई है, और वो गई तो अब यहाँ भुवनेश्वर तेजस खड़ी है, इसके पीछे पीछे जाएगी। कानपुर सेंट्रल से डिपार्चर ले चुके भुवनेश्वर तेजस राजधानी, यहाँ पे इसको भी ओवरटेक कर दिया, यहाँ पे वहाँ पे कोई गाड़ी अराइवल ले रही है। और ये है दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल यहाँ पर अराइवल ले रही है 1 नंबर पे कानपुर के। बस में जाम बहुत बन रहा है, वो एयरलाइन बन रहा है ना उसका पुल बन रहा है। साथियों होली हो चुकी है और देखिए हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, स्लीपर जनरल रेस ये है, स्लीपर आ रही है प्रयागराज की ओर से, और हम लोग बढ़ चले लखनऊ की दिशा में अपने लास्ट डेस्टिनेशन की ओर। गंगा जी यहाँ पे स्केप हो रहा है, उन्नाव जंक्शन यहाँ मिल रही है बिहार संपर्क क्रांति, बहुत खतरनाक पैक, खचाखच एकदम बहुत तगड़े से पैक है, टॉयलेट भी भरे हुए स्लीपर के भी एक ही हाल। पूरा खचाखच भरी हुई है, चुके हैं 13 किलोमीटर का फासला भी तय किया है और यहाँ शेड्यूल हॉल्ट लिया है गाड़ी ने, और बिहार संपर्क क्रांति अभी गई आपने देखा पूरी पैक थी, और अब गाड़ी लेट होना शुरू होगी, 1 घंटे में 4 बाग लखनऊ नहीं पहुँच पाएगी। चले सिग्नल हो गया कुछ चलने को तैयार, तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे देखिए एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस लगी हुई है ये।
लखनऊ नई दिल्ली एसी एक्सप्रेस, और अब हम लोग लखनऊ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगाई जा रही गाड़ी, वैसे 4 नंबर था उस जिसपे प्रयागराज संगम एक्सप्रेस खड़ी थी, इसी कारण अपनी गाड़ी पिट गई है, आउटर पे खड़ी रही इसीलिए। साथियों आ चुके हैं 18 मिनट बिफोर यहाँ पर, अरे सॉरी 18 मिनट लेट आई गाड़ी, अरे सब वही गाड़ी खड़ी रही अपने प्लेटफॉर्म पे प्रयागराज संगम एक्सप्रेस, इसीलिए दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेना पड़ा, 3 नंबर पे आई और ए सी नंबर 5 गई यहाँ पर। साथियों बता दूँ ये गाड़ी मेरे लिए सबसे परफेक्ट रही, द जर्नी ऑफ द मंथ, सबसे परफेक्ट गाड़ी, 4 घंटे में मात्र कानपुर पहुँचा है, 4 से 4 साढ़े 4 घंटे में आनंद विहार से कानपुर तक। साथियों अपने डेस्टिनेशन चारबाग आ चुके हैं लखनऊ, और देखिए यादगार जर्नी है और बहुत परफेक्ट ट्रेन है ये, आपको भी सजेस्ट करता हूँ, ये सुपर फास्ट ट्रेन है, एक ऐसी सुपर फास्ट ट्रेन है जिसने मात्र 4 साढ़े 4 घंटे में ही हमें आनंद विहार से कानपुर पहुँचा दिया है। अब तक मैंने इतनी गाड़ियों में ट्रैवल किया, इनफैक्ट बिहार संपर्क क्रांति में भी ट्रैवल किया, उसने भी काफ़ी समय पर लगभग 5 घंटे ले ही लिए थे, लेकिन ये लगातार 130 रही, कहीं धीरे नहीं हुई, वो एक दो जगह हुई है और एक दो चैन भी खींच दी गई सहीवाबाद और एक परजनी के पास, अब इतना नहीं है वो होगा, लेकिन अब लेकिन फ़िलहाल हावड़ा राजधानी को ओवरटेक नहीं करने दिया, पैरेलल साथ में आई, और जो कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सही गाड़ी है और इसमें जर्नी हमारी बहुत अच्छी लगी। चलिए साथियों फ़िलहाल अब हम यहाँ से विदा लेते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।